हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर स्कर्ट लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक ली है और ये हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है। और फ्रेंड्स, जो हम स्कर्ट बनाने वाले हैं, आप उसे किसी भी टॉप के ऊपर पहन सकती हैं और वो स्कर्ट आपको एक गाउन जैसी लुक देगी यदि आप किसी भी टॉप के ऊपर उसे पहनेंगी तो। ये हमारी बिल्कुल अलग स्कर्ट है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने एक पीस कट किया है और ऐसे ही हमने एक पीस और कट किया है। मैंने 2 पीस कट किए हैं बेल्ट के लिए और लेंथ मैंने 5 इंच ली है इस पीस की। फोल्ड होकर ये 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार 2 इंच की होगी। तो हमारी जो ये बेल्ट है फोल्ड होकर 2 इंच की होगी। और अब जो बेल्ट की चौड़ाई है वो हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे कि कमर है हमारी 30 इंच, तो हाफ हुआ 15 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद 5 से 6 इंच और आप कपड़ा ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच और ऐड किया है, बेल्ट हमारी फोल्ड है। तो यहाँ पर हमने एक पीस लिया है, तो ये पीस हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है। ये हमारा फोल्ड होके 21 इंच है। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। जितनी हमने ये बेल्ट ली है उतना ही हमें एक पीस और लेना है। तो यहाँ पे हमने 21 इंच की एक बेल्ट और ली है और लेंथ बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है। तो इस तरह हमने 2 पीस कट किए हैं बेल्ट के लिए। आप जिस भी साइज़ की बनाएं, पहले तो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक पीस कट करें, फिर उसी के बराबर का आपको दूसरा पीस और लेना है। तो इस तरह बेल्ट के लिए हमने 2 पीस लिए हैं। हम आपको आज दूसरी तरह की स्कर्ट बनाना बता रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 पीस चाहिए बेल्ट के लिए। अब हम आपको स्कर्ट के घेर की कटिंग करना बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो एक कपड़ा है ये 4 मीटर है। 4 मीटर कपड़े में से सिर्फ हमने ये 2 बेल्ट कट की हैं। तो 4 मीटर में हमारा 10 इंच कम है और हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। ध्यान रखें, मैंने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया है। लेंथ हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। चौड़ाई आप जितनी चाहें इसकी रख सकती हैं। और अब हम आपको इसकी लेंथ बताते हैं। 2 इंच की हमारी बेल्ट सिल के तैयार होगी और इस पीस को हम सिल के तैयार 40 इंच का करेंगे। तो लेंथ इसकी आ रही है 43 इंच। तो हम आपको एक बार पास से भी दिखा देते हैं। हमारा जो ये पीस है 40 इंच का सिल के तैयार होगा। लेंथ 43 इंच ली है। हाफ इंच सिलाई में जाएगा, 2.5 इंच हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमने इसकी लेंथ ली है। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं, चौड़ाई आप जितनी चाहें इसकी रख सकती हैं। 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर जो लेंथ है वो आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। और यदि फ्रेंड्स आप इसे कम लेंथ का रखना चाहती हैं तो आप इस पीस की लेंथ कम रखें, और यदि अधिक लेंथ का रखना चाहती हैं तो इस पीस की आप अधिक लेंथ रख सकती हैं। तो कटिंग हमारी हो गई है, अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करना बताएंगे। ये हमारी बेल्ट है, इस बेल्ट को हमने सीधा रखा है। इसके बाद सेम ऐसे ही हमने दूसरी बेल्ट कट की थी। तो यहाँ पे हमने इस बेल्ट को सीधी तरफ से रखा है और जो हमारी ये दूसरी बेल्ट है इसे हमें बैक साइड की तरफ से रखना है। ये ऐसे हमें इस बेल्ट को रखना है और फिर आप 1/2 इंच की दूरी पर एक सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पर इसे पिनअप कर लिया है और पिनअप करने के बाद मैंने एक सीधी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट सिल ली है। हमारी जो ये बेल्ट है चौड़ाई में 2 मीटर 4 इंच है। तो यहाँ पे हमने इसे सेंटर से सिल लिया है और अब हमें इसे एक तरफ से फोल्ड करना है। तो हम इसे 1/2 इंच के करीब एक तरफ से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी 2 मीटर 4 इंच बेल्ट है, तो हमें इसे पूरी बेल्ट को ही एक तरफ से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इस बेल्ट को एक तरफ से फोल्ड कर लिया है, पूरी ही बेल्ट को चौड़ाई में। तो ऐसे आप इसे फोल्ड कर लें, बेल्ट सिलने में बहुत आसानी रहेगी यदि आप इस तरह से फोल्ड करेंगी। तो अब हमें ये पीस लेना है जिसमें से हम प्लेट्स भरेंगे और हमारा जो घेर वाला पीस है वो लेना है।
ये हमारा एक ही पीस है और एक साइड से ये बंद है और जो दूसरी साइड है ये इस पीस की खुली हुई है। तो आप देख सकती हैं ये सिर्फ एक ही पीस है। तो यहाँ पे जो दूसरी साइड है इस साइड को हमें फोल्ड करना है लेंथ में। तो हम इसे पहला फोल्ड हाफ़ इंच पे करेंगे, दूसरा फोल्ड भी हमें हाफ़ इंच पे करना है और इसे हमें बॉटम पार्ट तक फोल्ड करना है। सेम ऐसे ही आप इधर की साइड को भी फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने एक साइड से ये दोनों पीस फोल्ड कर लिए हैं, ये हमने बॉटम पार्ट तक फोल्ड किए हैं। ध्यान रखें ये सिलाई हमने लेंथ में लगाई है और इस पीस को हमने फोल्ड कर लिया है, ये एक ही पीस है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेल्ट लेनी है। तो ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट को हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, ये खुली साइड है आप देख सकती हैं मैंने इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। और अब हम बंद साइड की तरफ से ड्राफ्टिंग करेंगे, हम मार्किंग करेंगे। तो ये बंद साइड है इधर की, तो यहाँ पे हमें बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखना है। जैसे कि कमर मेजरमेंट है 15 इंच, फोल्ड बेल्ट है हमारी, तो यहाँ पे हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे कि कमर 13 इंच है तो हाफ हुआ 15 इंच, क्योंकि बेल्ट हमारी फोल्ड है। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे मार्क किया है, दूसरा मार्क हम 5 इंच और अधिक पर करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा मार्क 20 इंच पे किया है। और आप जिस भी साइज़ की ये स्कर्ट बनाएं, 5 इंच आप अधिक कपड़ा ऐड करें। यहाँ पे हमने 5 इंच ऐड किया है, आप हर साइज़ में 5 इंच ही ऐड करें। पहले फिक्स मार्क करें, फिर 5 इंच और अधिक ऐड करें। और इसके बाद ये हमारा जो कपड़ा बचा है ये फोल्ड है, ये हमारा 12 इंच है। एक पीस 12 इंच है, दूसरा भी ऐसे 12 इंच है। तो हम इस बेल्ट को ऐसे सिंगल करेंगे तो दोनों तरफ हमारा 12 इंच कपड़ा स्टेप के लिए अधिक बचा हुआ है। इस बेल्ट में हम 1 मीटर तक प्लेट्स भरेंगे और दोनों साइड हमारा 12 इंच स्टेप के लिए कपड़ा बचेगा। तो हम आपको प्लेट्स भरना बताएंगे। तो पहला मार्क हमारा 15 इंच पे फिक्स है और 5 इंच हमने और कपड़ा अधिक ऐड किया है। आप हर साइज़ में इतना कपड़ा ऐड कर सकती हैं और स्टेप के लिए 12 इंच है, दोनों साइड 12 इंच हमारा कपड़ा है। तो आप स्टेप के लिए और भी अधिक कपड़ा ऐड कर सकती हैं। अब बेल्ट को हमने सीधी तरफ रखा है, फोल्ड साइड बॉटम पार्ट की तरफ है और जो ऊपर की साइड है वो फोल्ड नहीं है बेल्ट की, तो उस तरफ हमें ये पीस रखना है। ये पीस हमने सीधी तरफ से रखा है, बेल्ट भी हमारी सीधी तरफ है और फोल्ड साइड बेल्ट की नीचे की तरफ है और हम प्लेट्स ऊपर की तरफ भर रहे हैं। आप देख सकती हैं बेल्ट हमारी सीधी तरफ है और अब हम इसमें प्लेट्स भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 1 इंच की इसमें प्लेट्स भरेंगे। तो 12 इंच हमने बेल्ट का जो कपड़ा है स्ट्रैप के लिए छोड़ा है और अब हम इसमें 1 1 इंच की ऐसे प्लेट्स भर रहे हैं। और इस तरह आप 1 मीटर तक प्लेट्स भर लें। ध्यान रखें हमें 1 मीटर बेल्ट तक ही ये प्लेट्स भरनी है। तो इस तरह हमने 1 मीटर तक इसमें प्लेट्स भर ली हैं, आप देख सकती हैं। और दोनों तरफ हमारा जो कपड़ा है स्टेप के लिए 12 इंच बचा हुआ है, आप देख सकती हैं। और ऐसे ही हमारा दूसरी साइड में है। तो इस तरह हमने ये प्लेट्स भरी हैं। अब हम बेल्ट को सीधी तरफ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बेल्ट को सीधा किया है, अब हम इसे ऐसे सीधी तरफ फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसे ऐसे ही फोल्ड करना है 2 इंच पर ही, क्योंकि हमें दोबारा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच हमारा एक साइड से पहले ही फोल्ड है। और अब हम आपको इस स्टेप को फोल्ड करना बताएंगे। पहले हम इसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हमें इसे यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करना है और दोबारा से हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम पिनअप कर रहे हैं। तो पिनअप करने के बाद अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। यहाँ पे हमें साइड में सिलाई लगानी है और फिर हम इसमें इधर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह आप इसमें सिलाई लगाएं और फिर ऐसे सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ पे आना है, जहाँ पे हमने ये प्लेट्स भरी हैं और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो अब हम आपको सिलाई लगाना बता रहे हैं। पहले हमें साइड में सिलाई लगानी है ऐसे, और फिर हमें यहाँ पे दूसरी तरफ इसमें ऐसे सिलाई लगानी है। 1/2 इंच हमें इसे एक तरफ से फ़ोल्ड करना है, ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे पहले ही फ़ोल्ड कर लिया है। ऐसे आप इस स्टेप को फोल्ड करें और फिर हमें ये जो प्लेट्स साइड है इसे हमें फोल्ड करना है। और ऐसे ही आप पूरी बेल्ट को ही फोल्ड कर लें और बेल्ट को हमें खींचना नहीं है, ऐसे ही रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। पहले हमने स्टेप को फोल्ड किया था,
फिर हमने इस बेल्ट को फोल्ड किया है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आई है। दोनों तरफ हमारी 12-12 इंच की ये स्टेप है और इसके बाद हम आपको बॉटम पार्ट को फोल्ड करना बताएंगे। तो बॉटम पार्ट को हमें सिर्फ 2.5 इंच फोल्ड करना है। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे होगा और दूसरा फोल्ड हमारा 2 इंच पे होगा। तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच बॉटम पार्ट से इसे फोल्ड करना है। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में गया है तो इसलिए हमने 3 इंच कपड़ा हमने अधिक ऐड किया था। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है, ये हमारी बैक साइड की तरफ से। अब हम आपको इसे पहनना बता रहे हैं। इसे हमें बैक साइड की तरफ से पहनना है और फिर हमें इसे बैक साइड की तरफ हम इसमें नॉट लगाएंगे। ऐसे फ्रंट साइड की तरफ से हमें इसे ऐसे घुमाना है और बैक साइड की तरफ से हमें इसमें नॉट लगानी है। और बहुत ही प्यारी लुक आई है इसकी। आप इसे किसी भी टॉप के साथ पहन सकती हैं, ये एक गाउन जैसी लुक देगी। और आप इस स्कर्ट को बहुत तरह से पहन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने न्यू स्टाइल की ये स्कर्ट बताई थी आपको। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।